जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आईटीआई के प्रैक्टिकल की डेट आ गई है। 3 तारीख से प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड के लिए 2 टॉपिक आए हैं प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो विद्यार्थियों को टाइप्स और जितने भी टाइप के जॉइंट होते हैं वो तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो विद्यार्थियों को जहाँ प्रॉब्लम आती है वो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, या ट्रांसफार्मर में ऑयल किस लिए डाला जाता है। तो आज की वीडियो हम ये सारे उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके प्रैक्टिकल के पर्पज से बहुत उपयोगी होने वाली है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों भरा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरने का उद्देश्य ये होता है कि जो ऑयल होता है वो इंसुलेशन का कार्य करता है। इसका इंसुलेशन का वो एक इंसुलेटर होता है जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर के तौर पर वर्क करता है। और दूसरा होता है कूलेंट। ट्रांसफार्मर जब हाई वोल्टेज जाता है तो इससे ट्रांसफार्मर में हीट मारने लगता है, उसमें हीट आ जाती है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल होता है वो कूलेंट के रूप में भी कार्य करता है। सबसे पहले इसमें जानने वाली चीज़ है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। क्या? परावैद्युत सामर्थ्य। अभी परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है? एक्चुअली एक कैपेसिटी होती है, ठीक, एक स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी की। जैसे हमारे पास मान लीजिए गुब्बारा है, हमने उसके अंदर हवा भरी, भरते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसके अंदर उससे अधिक हवा नहीं भर सकते। आप उससे अधिक अगर हवा भरोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। जैसे हमारे गाड़ियों का टायर वगैरह होता है, ट्यूब वगैरह होते हैं, हम ट्यूब में हवा भरते हैं, उस ट्यूब की कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर मान लीजिए कितना 10 लीटर हवा आ सकती है। आपने पूरा 10 लीटर उसके अंदर फिल कर दिया, अब उसकी कैपेसिटी 10 की है। अब जैसे इसकी आप 10.1 लीटर हवा उसमें भरेंगे, ट्यूब क्या हो गया, फट जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसकी ये जो 10 लीटर जो है ये इसकी क्या हुई, कैपेसिटी हुई, क्या डाई एयर स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी उसकी, ठीक। और जो कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो इसमें क्या दिया जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, सामान्य जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में लगाते हैं वायर, चाहे कॉपर को चाहे एल्यूमिनियम का हो, हमने उसे फैन चलाया या टीवी चलाया या कोई किसी प्रकार का एलईडी या बल्ब चलाया। अब हमें कुछ बड़ा इंस्ट्रूमेंट उससे चलाना है, जैसे कोई फ्रिज हो गया या अन्य जनरेटर हो गया, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो काफ़ी वोल्टेज लेता है। तो आप सामान्य वायर से ये तो नहीं चला सकते। अगर सामान्य वायर से वो चलाएंगे तो क्या होगा, वायर जल जाएगा। मान लीजिए आपके जो वायर है इसकी कैपेसिटी है 220 वोल्ट की, ठीक। आपने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसकी वोल्ट, जिसकी क्षमता कितनी है, लगभग 440 वोल्ट। तो ये वायर जो है ये 440 वोल्ट तो झेल नहीं पाएगा, इसके लिए आपको मोटा वायर लगेगा। तो इस वायर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये, ठीक। इससे ज्यादा क्या कर करोगे तो वायर क्या होगा, जल जाएगा। समझ आ गया, ये कैपेसिटी होती है। तो इसका यहाँ क्या लेना देना है ऑयल टेस्टिंग से, ऑयल की भी खुद की कैपेसिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी अंदर अपने स्टोर कर सकता है, कितना ज़्यादा झेल सकता है, ठीक। तो उसमें एक किट आती है, ठीक, उससे पहले ये समझ लो जो बहुत उपयोगी है, ये आपको ट्रांसफार्मर में ऑयल टेस्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगेंगे। जो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है वो कितना होना चाहिए, 2.5 मिलीमीटर, मतलब 2.5 mm। मान लीजिए आपके पास एक ये वायर है और दूसरा ये, दोनों में वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, ठीक, इनके बीच का गैप ज़्यादा है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में एयर की मात्रा ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच के गैप को कम कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे और दोनों के बीच में एयर में हवा में स्पार्क होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम गैप कम करेंगे स्पार्क होता रहेगा, ठीक। इसको इस प्रकार से लीजिए, कभी आपकी गाड़ी बरसात में खराब हो जाती है, ठीक। तो ये जैसे जो आप गाड़ी का स्पार्क के ऊपर जो प्लग रहता है कैप को खोलते हो तो देखना जो आपका एसटी कॉइल रहता है, कॉइल से करंट उचकता है और स्पार्क प्लग में जाता है, तो आपको जाते हुए दिखेगा करंट, ठीक, ये वही होता है। अगर हम उसको टच कर देंगे तो करंट नहीं दिखेगा। जब आप उस स्पार्क प्लग को, ये आप मान लीजिए स्पार्क प्लग और ये आपका वायर, कुछ दूरी बनाएंगे तो आपको करंट यहाँ से उचकता हुआ नजर आएगा। और दूसरा उदाहरण देखें, जो हम वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, उस समय हमारा इलेक्ट्रोड होता है, अगर आप
वर्कपीस के ऊपर टच कर लोगे तो वो वेल्डिंग नहीं करेगा। आपको वेल्डिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोड है उसको वर्कपीस से थोड़ी दूरी बना के रखोगे, तो फिर दोनों के बीच में क्या होगा, इस बार यहाँ पे फेस आता है, यहाँ पे अर्थिंग से आप क्लैप कर देते हो वर्कपीस को, तो जो करंट है आपका वो जंप करता है। जब वो करंट जंप करता है तो धातु पिघलती है और वेल्डिंग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, एक कॉइल का ऐसा बॉक्स होता है, एक इलेक्ट्रोड दे रहा, ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक फिल्टर करके ठीक कर सकते हो अगर 30 से ज्यादा हो 50 से कम है। और अगर आपके जो ऑयल है उसकी डाइलेट्री स्ट्रेंथ कितनी है 50, ठीक 50 है तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपका ऑयल सही है। 50 से उससे ज्यादा है तो आपका ऑयल सही है, 50 से नीचे है और 30 से ज्यादा है तो आपको ऑयल को फिल्टर करना पड़ेगा, और 30 से कम है ऑयल को चेंज करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो इसमें जो इंटरव्यूअर्स है वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान से बार सुन लीजिए। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी वस्तु का किस हद, वो कोई भी वस्तु जो है किस हद तक, किस लिमिट तक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकती है, जब तक कि वह टूटे ना या फटे ना, ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसकी इकाई क्या होगी, किसमें नापा जाता है, केवी पर एमएम में। इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप होना चाहिए 2.5 एमएम। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है ये सवाल, ठीक प्रैक्टिकल वगैरह में बायो होता है तो ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना होता है, 2.5 एमएम। अब आता है बीडीवी का फुल फॉर्म, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ऑयल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है अगर 0 से 30 के बीच में है तो ऑयल रिप्लेस होगा, अगर 30 से 50 के बीच में तो ऑयल आपको फिल्टर करना पड़ेगा, है ना, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा उसको, अगर 50 से उससे अधिक है तो आपका ऑयल सही है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपके प्रैक्टिकल के संबंध में। तो एक अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए।